नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। वसीम और पिंटू नामक बदमाशों के पैर में गोली लगी। विगत दिनों वसीम ने सरकारी कार्य करने के लिए गई पुलिस पार्टी के ऊपर हमला बोला था, जिसके चलते पुलिस को इसकी तलाश थी। देर रात्रि फरीदा मोड़ पर चेकिंग कर रही थी पुलिस टीम। इसी दौरान आते हुए दो बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, तभी दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे। जी हां, पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश वसीम और पिंटू के पैर में गोली लगने से वह घायल हुए। दोनों घायल बदमाशों के पास से दो तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस व 2 खाली खोखे बरामद हुए हैं। थाना एका के फरीदा मोड़ पर ये मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस व 2 खाली खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। देखिए, आज रात्रि लगभग 12:50 के आसपास सीओ जसराना और एसओ एका की टीम फरीदा कट पे चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पे दो आदमी सवार दिखे, उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। संदिग्ध दिख रहे थे ये लोग, वहाँ पर रुके नहीं और ये लोग फरीदा कट से इधर इस रोड पे, जहाँ पे हम सब खड़े हैं, इस रोड की तरफ भागे। इनकी चारों तरफ से घेराबंदी हुई, इन लोगों ने हमारे पुलिस टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, ये दोनों घायल हुए और उसके बाद इनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इन लोगों के पोजीशन से दो असलहे बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है, एक का नाम वसीम है, दूसरे का नाम पिंटोली है। ये बड़ा खेरिया के रहने वाले हैं, थाना एका के ही। बाकी इनके बारे में छानबीन की जा रही है और इसमें जो अभी घटना घटी, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।